पाइल्स एंड फिशर्स के इशू में हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से घर बैठे अपने इन इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इन हेल्थ डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जिन भी लोगों को पाइल्स का इशू है या फिशर्स के इश्यूज हैं, उस केस में आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा सीरियसली। फर्स्ट पॉइंट, आपने अपने फाइबर इनटेक को इंक्रीज करना है। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर हमें मिलता है रॉ और नियर टू रॉ वेजिटेबल्स और सैलेड से और फ्रूट्स से, ठीक है। लेकिन जब हम वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं तो उसमें फाइबर नहीं होता है, ठीक है। डेली बेसिस पर पाइल्स के केस में किसी भी पेशेंट को 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे कम से कम भी 4 लीटर पानी सबने पीना है। थर्ड पॉइंट, चिया सीड्स। चिया सीड्स को एक ग्लास में आपने क्या करना है, सोक कर देना है, वो पफ्ड हो जाते हैं, ठीक है। आपने चिया सीड्स की ड्रिंक का कंजप्शन डेली बेसिस पे एक ग्लास चिया सीड्स ड्रिंक आपने पीनी है। कोकोनट वाटर को अपनी डाइट में डेली ऐड करना है। और इसके साथ साथ बटर मिल्क, छास, कोई दही, दही से बनी हुई लस्सी हमने नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को जब मैं बटर मिल्क के लिए कहती हूँ तो लोगों को ये लगता है कि हमने दही से बनी हुई लस्सी हम पी ले। नहीं, बटर मिल्क इज डिफरेंट, कर्ड इज डिफरेंट, ठीक है। हमने क्या लेना है, छाछ लेनी है, बटर मिल्क लेनी है। आधा ग्लास आप छाछ लें, उसमें आधा ग्लास वाटर ऐड करें, उसके साथ साथ उसमें आधा चम्मच या कुछ बूंदे आपने अदरक जिंजर जूस की ऐड करनी है, जिससे उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जिंजर बेसिकली क्या करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यहां पर भी बहुत लोगों के माइंड में मिथ होता है कि यस हम जिंजर लेंगे तो कहीं हमारे पाइल्स के इश्यूज नहीं बढ़ जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे प्रॉपर फाइबर का इंटेक कर रहे हैं, प्रॉपर वाटर इंटेक्स कर रहे हैं, ठीक है, कोकोनट वाटर ले रहे हैं, चिया सीड्स का कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपकी डाइट में आपकी जो पाइल्स की इश्यूज हैं वो नहीं इंक्रीज होंगे, रादर सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने क्या ध्यान रखना है कि कोई भी तली हुई ज्यादा तेल मसाले वाले खाने आपने नहीं खाने हैं। रात का आपका जो डिनर होना चाहिए वो वाटर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, वाटर डाइल्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि रात के डिनर में जितना आपका वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, मॉर्निंग में आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज उससे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।